आवाज आ रही है? हेलो एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। सबसे पहला हम लोग आज एटॉमिक स्ट्रक्चर नया चैप्टर शुरू करेंगे। इस चैप्टर के बारे में ये है कि आज और नेक्स्ट क्लास का लेक्चर तो वेंसडे को भी होगा, वेंसडे को भी आपकी क्लास होगी, तो दो क्लास प्योरली थ्योरेटिकल है। उसके बाद फिर आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, न्यूमेरिकल वगैरह सब बहुत ही अच्छे हैं। अब देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट में जितने भी कंसेप्ट आएंगे वो सब 12th की फिजिक्स में भी पढ़ना है। थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, जितने भी है पहले पार्ट में, इन सब का केमिस्ट्री में आगे कोई आपको उतना कंसेप्ट यूज भी है ही नहीं। लेकिन इसी चैप्टर का जो क्वांटम नंबर से है वो नहायत मजबूत होना चाहिए। ये नहीं पढ़ा तो इस थर्ड चैप्टर कमजोर, फोर्थ चैप्टर और सेकंड बुक, दिस चैप्टर दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वांटम हम लोग एक एक पार्ट को पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको पहले बता दिया हूँ कि इस चैप्टर में क्या क्या है। खासकर क्वांटम नंबर से आपका बहुत ही मजबूत होना चाहिए। ये तो मजबूत हो ही जाएगा, इसी को 11th की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म ऑफ फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल अप्रोच, आपका ये वाला पार्ट और मजबूत हो ही जाएगा। तो चलिए, पहला जो टॉपिक है इसमें उसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। आपके माइंड में आएगा डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है? थोड़ा मैंने फिर वही बात, बहुत सारी चीजें के लिए पेशेंस रखिए, क्योंकि स्टार्ट ही हुआ है तो आपको ये बातें सब समझ में आ जाए। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से दो चीज की डिस्कवरी, एक है आपका डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज और इसी से हम इलेक्ट्रॉन की भी डिस्कवरी हुई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा है डिस्कवरी ऑफ एनोड, तो इससे आपका डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल की डिस्कवरी। श्रेष्ठा, मेरी आवाज आ रही है? श्रेष्ठा, यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, ये मैंने स्टार्ट ही किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीछे से आपका बैकअप होता रहेगा, उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। इस चैप्टर का पीछे से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया। लिखिए सारे, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है ये सब अभी आपको पता लगेगा। लिख लीजिएगा तो सब लोग बताइए। एवरीवन सर प्लीज वेट। अच्छा, ओके।
चलिए श्रेष्ठा आपका भी हो गया, सांची, कशिश, आयुषी आपका भी हो गया, सबका हो गया। यस सर। ओके अब ध्यान दीजिए, हाँ चलिए यहाँ ध्यान देंगे कि ये आप बनाइए, इसमें एक एक चीज मैं डिफाइन करूंगा, समझा? ये आपका बैटरी हुआ, ये वैक्यूम पंप हुआ, क्यों लेते हैं वो सब आपको मैं एक एक करके लिखवाऊंगा। उसके बाद ZNS कोटिंग करेंगे, क्यों करेंगे उस सब आपको लिखवाऊंगा। आपको ये आपका कैथोड है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, नेगेटिवली इलेक्ट्रोड, और ये आपका एनोड है पॉजिटिव। लिख लिया तो बताइए कैसा। एवरीवन नोटेड डाउन दिस स्लाइड, ये सब लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। अब देखिए पहली बात आपके माइंड में आएगा कि सर डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है, तो प्लीज एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ वो तो मैं आपको लिखवाऊंगा ही। डिस्चार्ज ट्यूब पहली बार, पहले इसके बारे में याद रखिए, ये एक तरह का सील्ड ग्लास ट्यूब होता है। पहली बार सील्ड ग्लास ट्यूब है पहला कंसेप्ट। दूसरा कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें वैक्यूम पंप का क्या काम है, और से सुनिए ये सब पूछा गया है, तो इसका काम है इट क्रिएट्स लो प्रेशर, वो सब बताएंगे अभी आगे भी। ये मैं सब इसमें जो जो एक्सपेरिमेंट में उसका मैं मतलब समझा रहा हूँ, लो प्रेशर इन ग्लास ट्यूब। तीसरी चीज ये है
कि इसमें हम हाई वोल्टेज भी लेते हैं। क्यों लेते हैं वो सब आपको सिखाऊंगा। 10^4 वोल्ट, 10,000, बहुत ज्यादा। चौथी चीज कैथोड हम लेते हैं, जो एक मेटल प्लेट से मिलकर बनाता है, ये मेटल प्लेट होता है, कोई भी मेटल आप ले सकते हैं। पांचवी चीज इसमें क्या जरूरत है, एनोड है। और छठी चीज क्या है आपका, देखिए ZNS स्क्रीन, ZNS कोट, इसको हम कहते हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल। जैसे आप रोड पर जाते हैं भाई, आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको दिखना चाहिए ना ऑब्जर्वेशन, तो फ्लोरेसेंट मटेरियल क्या होता है, जैसे एक कोई हम वुड ले लें, लकड़ी ले लें, उस पर हम ZNS की कोटिंग कर दें, और जैसे ही इस पर इलेक्ट्रॉन आएगा ना तो ये ग्लो करने लगे। तो जैसे आप रोड पर भी देखते हैं किनारे के साइड में वो जलता रहता है, तो ZNS स्क्रीन का मतलब होता है ग्लो करना, तभी तो पता चलेगा कि एक्सपेरिमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो पहली बात, डिस्चार्ज ट्यूब में क्या क्या चीज की जरूरत हुई, ये सबको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन, हाँ एक हरगौन, हरगौन कौर, मेरी आवाज आ रही है आपको, हरगौन, हरगौन मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। हाँ पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर हैं, पीछे से बैकअप आपको दूंगा मैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेन नोट्स में बना लीजिए, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। चलिए, आयुषी, हर कशिश, रोशनी, सांची, श्रेष्ठा, ये सब टर्म्स लिख लिया आपने? यस सर। हरगौन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एवरीवन कंप्लीटेड? हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए एक दफा और, एवरीवन कंप्लीटेड? यस सर। अच्छा अच्छा, ओके। रोशनी सिन्हा ने भी लिख लिया? यस, ओके, ये लिख लीजिए। अब आइए, मैं रीजन के साथ अब मैं बताता हूं कि क्यों इसमें हाई वोल्टेज लो प्रेशर वगैरह लिया गया। तो मेरे साथ साथ चलिए हरगौन आप यहां से लिखना शुरू कीजिए। व्हेन एनी गैस, ये जो आपको बनाया गया ये गैस है, ये गैस लिया गया है। व्हेन एनी गैस इज प्लेस्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एट very low pressure and high voltage, पहले यहां तक लिखिए तो फिर मैं समझाता हूं, पहले लिखिए सारे कि जब discharge tube में हम कोई भी गैस high low pressure and high voltage पर रखेंगे तो क्या होगा, ध्यान दीजिए। लिख लिया? यस सर। यस सर। गुड गुड, अब सुनिए, डिस्चार्ज ट्यूब में गैस लिया गया, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस, लो प्रेशर का मतलब ये, देखिए प्रेशर की बात कहां होती है, मैं पहले चैप्टर में बताया गैस, गैस जहां रहे, लो प्रेशर इसलिए मेंटेन करते हैं कि गैस आसानी से मूव करे, दूर दूर हो गैस। अगर गैस बहुत ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो वो मूव नहीं कर पाएगा। जब भीड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी, पहला काम प्रेशर कम करने का मकसद यही है कि गैस इजिली मूव करे। हाई वोल्टेज क्यों रखा गया, प्लीज सुनिए। कोई भी अगर आपसे पूछता है कि गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, आपका ये नहीं, बट कर सकती है बहुत ही हाई वोल्टेज पर, 10^4 वोल्ट,
फराडेज ने यही तो किया था, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया था गैस से। क्यों? हाइड्रोजन HH2 मॉलिक्यूल है, प्लीज सुनिएगा, हाई वोल्ट लिखना नहीं है, हाई वोल्टेज पर क्या होगा, वोल्टेज का मतलब होता है एनर्जी देना, यह हाइड्रोजन एटम में ब्रेक कर गया। और क्या हुआ, चूंकि बहुत ही हाई एनर्जी है तो अब ये आयोनाइज हो जाएगा। आप देखिए पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन, दो अपोजिटली चार्ज की वजह से गैस से भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, लेकिन उसके लिए इतना वोल्टेज का होना जरूरी है। तो पहली बात, इस चार्ज ट्यूब में हम गैस को रखते हैं, लो प्रेशर पर रखते हैं तभी गैस मूव करेगा, और तीसरी चीजें हाई वोल्टेज रखते हैं कि गैस आयोनाइज होकर पॉजिटिव आयंस दे और इलेक्ट्रॉन्स दे। इसका मतलब ये हुआ कि गैस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या मेरी बातें यहां तक सबको समझ में आई? आयुषी, हरगोन, वशिष, रोशनी, सांची? यस सर। हाँ, अब देखिए तो वही मैंने लिखा वोल्ट, हाई वोल्टेज, देन मेरे साथ साथ अब लिखिए, देन गैस आयोनाइजेस, गैस आयोनाइजेस। पहले यहां तो लिखिए गैस आयोनाइजेस, इट इज ऑब्जर्व दैट, अब इससे क्या ऑब्जर्वेशन में ना, इट इज ऑब्जर्व दैट सम इनविजिबल रेज, सम इनविजिबल रेज कमिंग फ्रॉम कैथोड एंड मूव्स टुवर्ड्स एनोड। मैं समझाऊंगा, दिस रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। चूंकि ये कैथोड रे से, कैथोड के साइड से ओरिजिनेट हुआ और एनोड की तरफ गया, अब हम आपको बता रहे हैं, ये पहले लिख लीजिए अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। लिख लिया तो बताइए। यस सर। तो देखिए भाई मैंने बताया, ध्यान दीजिए, तो जब हाई वोल्टेज पर रखेंगे, यही गैस है कि यहाँ क्या हुआ, देखिए बैटरी ने इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, और ये गैस H प्लस है, इलेक्ट्रॉन है, ये मूव किया पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मूव किया, तो ये यही, अब ये जलने लगा, अब रेस को तो हम नहीं देख सकते, इसीलिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि एनोड के बैक साइड में उन्होंने क्या किया, ZNS की कोटिंग कर दी, तो अब यहाँ से आपको मूव हो रहा है, सम इनविजिबल रेज। इससे क्या साबित हुआ कि कैथोड रेज हैव नेगेटिवली चार्ज्ड, कैथोड रेज चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, कोई भी गैस आप रखते हैं, नॉट ओनली हाइड्रोजन गैस, तो वो आयोनाइज होगा और आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसकी वजह से करंट की वजह से सम रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड मूव्स टुवर्ड्स एनोड, दैट द रीजन दिस रेज आर कॉल्ड कैथोड रेज। बताइए सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर। ओके, सांची, रोशनी, कशिश, आयुषी, समझ में आया? यस सर। वेरी गुड, अब आइए टॉपिक डालिएगा, characteristics of cathode rays, characteristics of cathode rays. पहला पॉइंट लिखिए मेरे साथ साथ, ये सब आसान आसान है, the cathode rays moves from negatively
charged electrode to positively charged electrode. ठीक है, सिक्का साबित हुआ विच शोज दैट कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज. इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताइए. नो सर. वेरी गुड श्रेष्ठा, थैंक यू. हरगौन आप पूछती रहिएगा. सांची आपको कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. अब ये दूसरी, अब ध्यान दीजिए, लिख लिया तो बताइएगा सारे. डन सर. वेरी गुड, थैंक यू. आप सुनिए, लेकिन इस चीज को कि कैथोज कैथोड रेज में निगेटिवली ही चार्ज पार्टिकल है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, और लैंग्वेज पर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पॉजिटिव प्लेट और एक अलग से निगेटिव प्लेट लिया. इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब नॉर्थ एंड साउथ पोल, मैग्नेट लिया गया है नॉर्थ साउथ, जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो वहां चार्ज पार्टिकल, चार्ज प्लेट लिया जाएगा, पॉजिटिव प्लेट निगेटिव प्लेट. तो ध्यान दीजिएगा, एक तो एक्सपेरिमेंट से पता चल ही गया कि भाई कैथोड रेज कमिंग फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, इससे साबित हुआ कि कैथोड में जरूर कोई ना कोई निगेटिवली चार्ज पार्टिकल. अब आइए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया गया तो ये डिफ्लेक्ट कर गया, और डिफ्लेक्ट किधर किया, पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो इससे भी तो कंफर्म हो गया कि वाकई कैथोड रेज में निगेटिव चार्ज है. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर. यस सर. वेरी गुड. आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब अप्लाइड किया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. आप कहेंगे कैथोड रेज gets deflected in the direction of positively charged plate. It confirms, point to be noted, it confirms that cathode rays have negative. Ek to experiment se pata bhi chal gaya, lekin confirmation ke liye scientist ne kya kiya, external electric field, magnetic field liya, wo deflect kar gaya. Did you understand everyone? Haan Yana, jaldi bata dijiye. Yes sir. Yeah, likhiye, when? Yes sir. Very good. When external electric field and magnetic field are applied in discharge tube discharge to, then the rays are deflected in the direction of positively charged plate. Yes. सांची कोई डाउट तो नहीं है? सांची, हेलो सांची. नो सर. इस पॉइंट, ये तो करेक्टर, इसी पॉइंट के नीचे एक स्टार पॉइंट डालिएगा कि इससे ये बात साबित हो गई, इट कंफर्म्स. ये लाइन लिखिए. हाँ बोलिए बोलिए सांची. पिछली वाली स्लाइड दिखा दीजिए लास्ट टाइम. हाँ ओके ओके ओके.
डन सर थैंक यू आप देखिए बस ये लाइन लिख लीजिए इट कंफर्म्स कोई कहेगा ना इससे क्या पता चला इलेक्ट्रिक वही है आपको चार ऑप्शन करके पूछेगा कैथोड रेज हैव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हैव नेगेटिव चार्ज बस हैव नेगेटिव चार्ज ये कंफर्म होगी कोई आपको कहेगा क्यों कंफर्म के कंफर्म किया जाता है भाई एक्सपेरिमेंट को कंफर्मेशन के लिए चलिए मुझे उम्मीद है शुरू का एक दो लेक्चर प्योरली थ्योरेटिकल उसके बाद बहुत मजा आएगा प्लांट्स क्वांटम थ्योरी सब में बहुत अच्छा लगेगा आपको चलिए आगे बढ़े बताइए यस सर इस थर्ड हाँ चलिए आप सुनिए प्लीज सुनिएगा अच्छे से कि अगर आपसे कोई पूछे कि लिखिएगा नहीं अभी चौथी करैक्टरिस्टिक्स ये है कि साइंटिस्ट ने क्या किया उसको फराडे इसको जो थॉमसन साहब ने जो थे उन्हीं को एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने पिनव्हील बच्चे सबको भी देखते हैं पिनव्हील लिए रहते हैं मचाते रहते हैं या आप ये भी कह सकते हैं लाइट व्हील लिया उन्होंने कैथोड रेस के पाथ में रख दिया पिनव्हील या लाइट व्हील पैडल व्हील जो भी है तो देखा ये कि पैडल व्हील रोटेट्स करने लगा तो आप फिजिक्स का कंसेप्ट लगाइए क्यों रोटेट्स करने लगा क्योंकि ये रेस जो है अपनी एनर्जी को इसमें ट्रांसफर किया मोमेंटम को मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम को ट्रांसफर किया तभी तो रोटेट होने लगा बोलिए हाँ या ना हेलो एवरीवन यस सर हाँ इससे साबित हुआ कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल मतलब कोई पूछे मटेरियल पार्टिकल इसके अंदर मास है इसको दूसरा नाम भी कहते हैं मैकेनिकल इफेक्ट है So when pinwheel is placed in the path of the cathode rays, then it becomes rotating. Yeah, it rotates. इससे क्या पता चला? It confirms that cathode rays is material particle. मतलब इसके अंदर mass है तो half mv square kinetic energy है. ये अपनी energy को transfer कर. इसलिए आप पढ़िएगा भी जब ये अगर पैडल व्हील की जगह आप थिन मेटल शीट ले लेते तो थिन मेटल शीट गर्म हो जाता उसके अंदर पेनेट्रेट कर जाता इसलिए अभी आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा कि अल्फा जब थोड़ा सा पर एक लेक्चर दो कि नहीं कैथोड रे ज्यादा खतरनाक है कि एनोड रे ज्यादा डेंजरस है कि गामा क्या अल्फा भी पढ़िएगा अल्फा बीटा गामा कॉस्मिक रेज अल्ट्रा सब आने वाला है अभी आपको आज तो कैथोड रे स्टार्ट ही हुआ है उसमें क्वेश्चन आएगा तो बताइए ये वाला एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आया कि नहीं आया जल्दी बता दीजिए एवरीवन यस सर देखिए व्हेन लाइट व्हील मतलब पिन व्हील इज केप्ट इन द बहुत आसान है प्योरली थ्योरेटिकल आज का लेक्चर है In the direction of cathode rays, Samjhakini, in the direction of cathode rays, then wheel जो है rotates करने rotates तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं इट मींस समझा कि नहीं इससे क्या साबित हुआ कि इट मींस कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल या कैथोड रेज आर लिख लीजिएगा मटेरियल पार्टिकल या और अच्छे से मैं बता देता हूं आर मटेरियल पार्टिकल का मतलब ही हुआ ब्रैकेट में इसके अंदर मास है मास इन इट इसके अंदर मास है जितने मास द
बताइए कोई डाउट है आपके सर, उस पार्टिकल्स में तो नेग्लिजिबल मास होगा ना? हाँ हाँ ऑब्वियसली, लेकिन मास तो है ना, है ना? इसलिए तो देखिए यहाँ पर एक वर्ड देखिए सांची क्या लिखा गया, लाइट पैडल व्हील, है ना, वेलोसिटी तो होगी, बहुत ज्यादा वेलोसिटी होगी, है ना, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मेरी बात समझ रहे ना, मास का में वेलोसिटी बहुत है तो वेलोसिटी से मल्टीप्लाइड होकर और ज्यादा हो जाएगा, है ना मेरी बातें, तो वो मोमेंटम को ट्रांसफर कर देगा, और उस मोमेंटम को ट्रांसफर करने के लिए पैडल, आप कोई कहेगा नहीं हम लाइट ले लेंगे, भारी भरकम व्हील लेंगे, तो फिर रोटेट नहीं कर पाएगा, मेरी बात समझ में आई, आया ना? यस सर। हाँ इसलिए लाइट सर, इस मास को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं? यस, अभी बताएंगे ना आपको मास कैसे आएगा, आपको मैं बता देता हूँ, अभी पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ, कैथोड रेज में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हर गुण, ये तो क्लियर हो गया? यस सर। ये नेगेटिवली चार्ज कौन है, इसी को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्यों, मेरी बात सुनिए, कोई भी गैस को रखिएगा तो वो आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन ही देगा कि नहीं, जल्दी बताइए, ये बेसिकली ये कैथोड रेस कुछ नहीं है, कैथोड रेस आर नथिंग, इट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेस बोले माइंड में आ जाए, ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास तो आपको याद है, कैलकुलेट भी किया साइंटिस्ट ने, 9.1 × 10⁻³¹ kg, याद है ना इलेक्ट्रॉन का मास, हेलो हरगोन, आया समझ में? हेलो यस सर। हाँ तो अभी मैं बाद में लिखाऊंगा ना कि कैथोड रेज आर नथिंग, इट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज, इसी से तो कैथोड रेज से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, डिड यू अंडरस्टैंड? यस सर। ठीक, नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिए, ये तो आप 7वें 8वें से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, इट क्रिएट्स शार्प शैडो, एग्जैक्ट शैडो, समझा कि नहीं, इट क्रिएट शैडो आपको क्रिएट्स करेगा इन द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट, kept in direction of cathode rays. तो आपने 9th में नहीं पढ़ा कि जब किसी का शेडो बन जाता है, इसका मतलब होता है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है कि नहीं, बताइए, हेलो एवरीवन, यस सर, यस सर, हाँ वेरी गुड, कैथोड रेस आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है, आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं तो ये डिफ्लेक्ट कर जाता है, ये आपका हुआ कैथोड रेस की करेक्टरिस्टिक्स, अब अच्छे अच्छे पॉइंट की तरफ आइए और आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ तक आप सबको एनी प्रॉब्लम, श्रेष्ठा सांची रोशनी कशिश फरगोन आयुषी सब क्लियर हो रहा है ना? Yes, sir. No problem, sir. चलिए लिख लिया तो बताइए। Yes, sir, done. बहुत बेहतर, आप सुनिए, अब ध्यान दीजिए, कंक्लूजन जिसके लिए आप तो ये सब समझाया जा रहा है कि कोई भी पूछे क्या इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, तो कंक्लूजन समझिए कि कैथोड रेज जो बेसिकली है कंसिस्ट ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब कैथोड रेज आर नथिंग, इट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, आप सबको समझ में आया, सबको हाँ आना जल्दी बताइए, हाइड्रोजन गैस आयनाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन ही देगा, हीलियम गैस आयनाइज होगा तो इलेक्ट्रॉन ही देगा, तो यही है कैथोड रेस, इसलिए सब इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, तो गौर से सुनिए, पहला पॉइंट गौर से सुनिए, सारे लोग मेरे साथ साथ लिखिए कि ये हुआ कि कैथोड रेस कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल called electrons, सबसे इंपॉर्टेंट,
आपको और अच्छे से अपने वर्ड में बोलना है, याद रखिए कैथोड रेज आर नथिंग का मतलब यही है कि आप इसको इट इज फास्ट मूविंग, यानी समझने के लिए मैंने लिख दिया है इट इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो समझिए कैथोड रेज जनरेट कर रहा है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। यू अंडरस्टैंड एवरीवन? चलिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सुनिए अच्छे से। लिख लिया? यस सर। वेरी गुड, आप गौर से सुनिए। दूसरा पॉइंट ये है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ और सबसे पहले सांची आंसर दीजिए। सांची मेरी आवाज आ रही है आपके पास? देखिए सांची, गलत कोई एकदम आराम से आंसर दीजिएगा। मान लीजिए ये जितने भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स कैथोड रेज का पढ़ा, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, इलेक्ट्रिकली मैग्नेटिकली में डिफ्लेक्ट हो जाता है, शार्प शैडो बनाता है, समझ में बात आ रही है कि नहीं, मूविंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड जाता है, और आप ये पढ़ रहे हैं कि इसके अंदर मास है, मटेरियल पार्टिकल्स है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या वो गैस के नेचर पर, मान लिया एक एक्सपेरिमेंट में आपने हाइड्रोजन गैस रखा, दूसरे एक्सपेरिमेंट में हीलियम गैस रखा, तीसरे एक्सपेरिमेंट में नाइट्रोजन गैस रखा, क्या तीनों गैस के केसेस में कैथोड रेज की कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होती रहेगी कि सेम रहेगी? जल्दी बताइए। सेम रहेगी। सेम रहेगी, वेरी गुड। बिकॉज हर गैस आयोनाइज होकर इलेक्ट्रॉन ही देगा कि नहीं? सारे लोग मिलके बताइए, हर गैस आयोनाइज करके इलेक्ट्रॉन ही देगा कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। इसका मतलब ये हुआ आपसे पूछेगा, मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा ना भी, the characteristics of the cathode rays does not depends upon nature of the gas taken in discharge stream, aur electrode par bhi depend nahi karega, koi bhi electrode, electrode metal hai, sodium ki jagah tum yahan par potassium metal rakh do, koi bhi metal rakh do, characteristics par koi depend, yani ki sodium metal rakh de to kuch aur ho jayega, aur magnesium metal ka rod loge to kuch aur ho jayega, rod se gas ki nature se कैथोड रेस की नेचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई कैन रिपीट अगेन अगेन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस या नेचर ऑफ द कैथोड रेस डू नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब एज वेल एज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है? मेटल से मिलकर बना होता है। सोडियम मेटल ले लो, वही रिजल्ट आएगा, पोटेशियम मेटल ले लो, वही रिजल्ट आएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? हेलो एवरीवन। यस सर। कंक्लूजन का नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। डू नॉट depends upon electrodes, clear है? And पहले यहां तक लिख लीजिए, नेचर पहले यहां तक लिख लीजिए। नेचर ऑफ गैस placed in cathode rays tube, मैंने नाम चेंज कर दिया, बात बराबर है, डिस्चार्ज ट्यूब को कैथोड रेस ट्यूब भी कहते हैं। मैं लिख दिया कि आपको कहीं पर सेल्फ स्टडी में डाउट ना रहे, डिस्चार्ज ट्यूब को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। कैथोड रेस ट्यूब। हाँ, वेरी गुड श्रेष्ठा, थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। लिख लिया तो बताते रहिएगा। यस सर। डन सर। ये कंक्लूजन। अब मैं एक बहुत टॉपिक डालिए, स्पेसिफिक चार्ज टॉपिक डालिए,
स्पेसिफिक चार्ज। हाँ सांची कुछ पूछना है आपको? क्या हुआ, नहीं आवाज आ रही है? कुछ पूछ रही है आप? पिछली स्लाइड। अच्छा पिछला स्लाइड, ओके ओके ओके। अब लिखिए स्पेसिफिक चार्ज। देखिए स्पेसिफिक चार्ज मेरे साथ साथ लिखिए। द ई बाई एम रेशियो, अब ई बाई एम रेशियो को मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं। ई का मतलब चार्ज ऑन पार्टिकल, लैंग्वेज में भी लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट पार्टिकल। समझ में बात आया? द ई बाई एम रेशियो इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज, इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। चार्ज बाय मास रेशियो के स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। समझ में आया सबको? हाँ या ना? सर इसे स्पेसिफिक चार्ज क्यों कहते हैं? जी नहीं, स्पेसिफिक चार्ज का मतलब हुआ ई बाई एम रेशियो। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फिर से बोलिए। एक मिनट, एक मिनट। किसी ने, आपने क्या पूछा, फिर से बोलिए। स्पेसिफिक का मतलब देखिए बहुत सारी चीज, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी के रेस्पेक्ट में, या रेशियो की बात जहां भी होता है ना तो वहां एक वर्ड लगता है, जैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो रेशियो को बताता है। स्पेसिफिक चार्ज कैथोड का चार्ज, यानी स्पेसिफिक चार्ज इसलिए कहा गया, मैं भी बताऊंगा कि हाइड्रोजन गैस है, इसका स्पेसिफिक चार्ज बताइए। चार्ज तो एक तो हुआ चार्ज जिसको कहते हैं ई, यानी क्यू, क्यू कहते हैं जिसको डिनोट करते हैं क्यू। स्पेसिफिक चार्ज रेशियो है, ई बाई एम रेशियो मास के रिस्पेक्ट में उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या है हर गैस का। समझ में बात आ रही है कि नहीं? तो स्पेसिफिक चार्ज किसको कहते हैं जल्दी बताइए? E by m रेशियो को किसको कहते हैं जल्दी बताएं? E by m रेशियो। कौन समझ में आया आपको? आप देखिए मेरा क्वेश्चन सबसे, अभी लिखिएगा नहीं इसको, E by m रेशियो लिखना नहीं है, मैं रफ में पहले लिख रहा हूं। E by m रेशियो फॉर कैथोड रेस, और आप लोग आंसर दीजिएगा, लिखना नहीं है, बस स्क्रीन को देखिए। H2 गैस है, O2 गैस है, हीलियम गैस है, बताइए किसका E by M रेशियो ज्यादा होगा किसका कम होगा, बता दीजिए सारे। सबसे पहले आयुषी, मेरी आवाज आ रही है आयुषी? आप आज रेस्पॉन्स नहीं दे रही हैं। हेलो एवरीवन, ऑक्सीजन का सर सबसे ज्यादा होगा। ओके ओके, अच्छा माइक नॉट वर्किंग, अच्छा ठीक है ठीक है। चलिए श्रेष्ठा किसका ई बाई एम रेशियो कैथोड का ज्यादा होगा बताइए? सर हाइड्रोजन एंड हीलियम। अच्छा दोनों का ज्यादा होगा। अच्छा एक बात बताइए, हाइड्रोजन गैस रखेंगे तो आयोनाइज होकर क्या देगा, इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ या ना? यस सर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 10 टू द पावर 19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10 टू द पावर -31, ठीक है। O2 गैस रखेंगे तो आयोनाइज होकर वो प्लस देगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसका भी वही बातें होंगी, इसका ये सबका सेम होगा, क्योंकि तमाम गैस कैथोड रेस क्या है? Nothing, it is electron. हर गैस आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन देगा, तो E by M ratio सबका सेम होगा कि नहीं? जल्दी बोलिए साइंटिस्ट को, बोलिए बोलिए। Yes sir. Yes sir. Very good, very good. हाँ ऐसे अगर पूछता, देखिए मेरी बात, ऑब्जेक्टिव मैं अभी करा रहा हूँ, अच्छा पहले लिख देता हूँ फिर मैं ऑब्जेक्टिव कराता हूँ, रुकिए। तो इससे साबित हुआ, गौर से सुन, यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द ई बाई एम रेशियो फॉर कैथोड रेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ गैस। कोई भी गैस लीजिए, ई बाई एम रेशियो
उससे इनको क्या, क्यों? क्योंकि कोई भी गैस जो आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन देगा, कैथोड रेस क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है बेसिकली, तो हर केसेस में इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास। आपको ये नहीं देखना कि हाइड्रोजन का मास लेना, नो नो नो, उसका उस पार्टिकल का, इसलिए मैंने वर्ड लिखा था कैथोड रेज, व्हाट इज द ई बाय एम रेशियो फॉर कैथोड रेज, वो हर गैस का सेम होगा। सबको समझ में आया कि नहीं आया, सच सच बता दीजिए। यस सर। हाँ, ई बाय एम रेशियो फॉर कैथोड रेज। उसके बाद फिर दो ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं मैं दोबारा, कैथोड रेज Does not depend. रोशनी सिन्हा आ रहा है? Yes, sir. Does not depend upon nature of gas. Nature of gas. ठीक है? H2 gas, B O2 gas, C helium. ये तो मैंने अभी आंसर ही दे दिया, सबका सेम होगा कि नहीं जल्दी बता दीजिए, हाँ या ना। यस सर। अब दूसरा क्वेश्चन आप बताइएगा, ठीक है? तैयार, गलत मत आराम सोच के जवाब दीजिए, पहले लिख लीजिए, सब लोग लिख लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये दे आ चुका है, E by M ratio is maximum. Is maximum Na plus, Na plus 3. अब ये सब देखिए आप, अब ये सब क्वेश्चन हुआ कि आप हल्का तो कैथोड रेस को तो सब बता देगा, अब ये सब हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस। E by M ratio is maximum. तो पहले आप देखिए, E by M ratio कैथोड रेस का मतलब ये हुआ कि कैथोड रेस का मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास सब में यही होगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हेलो एवरीवन। यस सर। यहाँ E by M ratio इलेक्ट्रॉन का नहीं निकालना, किसका, Na plus, Al plus 3, तो सब अलग अलग है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। क्या यहाँ पर कैथोड लिखा है? ना लिखा है, बोलिए सारे लोग, नहीं लिखा है। तो आपको ये जनरल क्वेश्चन है, हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया, अच्छा एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन बना सकता, बताओ E by M ratio maximum, तो सबका मास अलग अलग होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes sir. Yes sir. हाँ, very good. तो अब आप, excuse me sir. हाँ बोलिए साइंटिस्ट। सर इसमें बस गैस का ही डिफरेंस है ना, अभी जो आप बोल रहे थे पहले। क्या बोल रहे थे, फिर से बोलिए। सही जो आपने बोला कि ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में गैस है और नीचे में गैस नहीं है, इसलिए गैस नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो हमने कहा था कि कैथोड रेज है ना, कैथोड रेज का इलेक्ट्रॉन, कोई भी गैस आयनाइज होकर इलेक्ट्रॉन देगा, तो हम इलेक्ट्रॉन यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, तो हर केसेस में E by M रेशियो सेम होगा। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन का नहीं पूछ रहा, यहाँ तो ये आयन का पूछ रहा है, इस आयन का E by M निकालो, इसका E by M निकालो, तो सबका तो अलग अलग है, तो अलग अलग ही ना होगा, बोलिए हाँ या ना। ये कहने का, ये मैंने कहा, आया समझ में साइंटिस्ट, क्या बोला मैंने सांची? यस सर। हाँ तो अब हम, अब तो आंसर तो दे दीजिए सब लोग। श्रिष्ठा आप बताइए, किसका E by M ratio ज्यादा है, किसका E by M ratio ज्यादा है? सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ज्यादा, अच्छा अच्छा पक्का, और लोग बताएं। सर
सर हाइड्रोजन ही होगा। रोशनी सिन्हा ने कहा हाइड्रोजन। ओके 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 अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है, मालूम है कि नहीं? हाइड्रोजन क्या है? सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल है। और जब सबसे लाइटेस्ट है तो मास इसका सबसे कम है, तो ई बाई एम रेशियो जो होगा वो ज्यादा होगा। किसी को कोई कंफ्यूजन, जल्दी बताइए। कंफ्यूजन, वेरी गुड। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताएं। हाँ बोलिए बोलिए। इसी क्वेश्चन में आप एक बार Na का कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। Na, हाँ, Na का देखिए 1.6 × 10⁻¹⁹ है। चार्ज तो वही वन, चार्ज वही लेना है ना इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। और मास कितना होगा? 23 mu। 23 mu का मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड जो आपको मैंने बताया नहीं था, इसको मास आराम से कर देंगे। आंसर जैसे Al में प्लस 3 है तो फिर 1.6 × 3 हो जाएगा। जी 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 जी, चार्ज, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 × 1.6 होगा। समझ बात आ रही है? अच्छा, इसमें ऑर्डर हम लोग चेक कर लेते हैं। ये तो मैक्सिमम निकाल लिया। देखिए ऑर्डर जब चेक करेंगे तो हम यहाँ पर देखिए 3/27 कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताइए? 1/9। यहाँ 1/1 ही रहेगा, चलिए ठीक है। यहाँ Mg प्लस 2 का क्या हो जाएगा? 2 है, और 24 है तो 1/12 हो जाएगा, और यहाँ 1/22 सबसे ज्यादा H का। यस सर, मैंने ऐसे ही करा था तो फिर मुझे कंफ्यूजन हो गई थी। आपने 1 नहीं नहीं, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम C का तो हो ही रहा है, बताइए हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर, यस सर, C का सबसे ज्यादा हो रहा है। ऑर्डर अगर पूछा जाएगा तो C का, उसके बाद बताइए। 1/12 है ना, हाँ हाँ हाँ, सी के बाद बी का, बी का, बी का, बी के बाद डी का, न्यूमरेटर में यहाँ 12 है, डी का, डी के बाद ए का, जिसका न्यूमरेटर ज्यादा वैल्यू कम हो जाएगी कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। यस सर, 1.6 को इंक्लूड ना भी करे तो भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो तो इसलिए निकालते क्योंकि ये चीज तो सब में कॉन्स्टेंट है ना, इसलिए आप डायरेक्ट कर लीजिए, समझ रहे ना आप। आगे बढ़े, यस सर, इसलिए मैंने कहा था। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रॉन का के केसेस में, कैथोड रेज के केसेस में ई बाय एम रेशियो क्या है, ये याद है, वो सबका सेम है। किसी को दो कोई डाउट हाँ या ना, जल्दी बता दीजिए। हेलो एवरीवन। नो सर, इलेक्ट्रॉन का मास दोबारा बता दीजिए। 9.1 × 10⁻³ −31 kg। ओके सर। अच्छा अब बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जल्दी बताइएगा द ई बाई एम रेशियो फॉर न्यूट्रॉन, बताइए न्यूट्रॉन कितना होगा? श्रेष्ठ, द ई बाई एम रेशियो फॉर न्यूट्रॉन, डायरेक्ट बोलिए जीरो होगा, क्यों? न्यूट्रॉन पर चार्ज होता ही नहीं है, तो 0/m जीरो नहीं हो जाएगा, बोलिए। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा द ई बाई एम रेशियो फॉर न्यूट्रॉन, बोलिए ना। हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर। यस, हाँ वेरी गुड। द ई बाई एम रेशियो फॉर न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? जीरो। एनी प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। आगे बढ़े आप, अच्छे से आ गया ई बाई एम रेशियो, सच सच बताइए, दिक्कत तो नहीं है? हाँ, दोबारा रिपीट कर दीजिए। हाँ नहीं, न्यूट्रॉन पे चार्ज जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा ना ई बाई एम रेशियो, ये कहने का मतलब। ओके सर। ये कहने का, चलिए आगे बढ़ते हैं, कैथोड रेस की बात खत्म हो गया, आप नेक्स्ट टॉपिक डालिए। डिस्कवरी ऑफ रोशनी सिन्हा, आपको आप सबको समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। एनोड रेज आई, अब सुनिए इसको, पहले लिखिए, अब दो मिनट सुन, पहले लिख लीजिए फिर बताइएगा।
लिख लिया, हेलो एवरीवन। यस सर। अब देखिए हरगोन, आपको समझ में आ रहा है ना हरगोन श्रेष्ठा? यस सर। हाँ ठीक है। अच्छा आप देखिए, अभी ई बाई एम रेशियो पर और क्वेश्चन करा दूंगा, ये एनोड वाले आपको पढ़ाने का, उसमें भी ई बाई एम आएगा, इसलिए मैं अभी एक दो क्वेश्चन और करा। आप देखिए कुछ सालों के बाद क्या हुआ, क्योंकि देखिए पहले के जो साइंटिस्ट होते थे वो हर बातों पर थिंक करते थे। तो चलिए थॉमसन ने एक चीज को बता दिया कि कोई गैस रखेंगे तो गैस आयनाइज होगा, कैथोड रे की डिस्कवरी उसने लगता। तो उनको ये देखा कि भाई ये ZnS स्क्रीन, लेकिन कुछ सालों के बाद गोल्ड स्टीन जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी, उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट को, उन्होंने क्या किया, इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया। उनको एक और चीज मिली कि इलेक्ट्रॉन तो है ही है, इलेक्ट्रॉन तो एनोड की तरफ तो जाएगा ही, अब मैं आपको इसी बेसिस पर एक एक्सपेरिमेंट बनाता हूं। तो उन्होंने जो सोचा कि भाई इलेक्ट्रॉन तो है, लेकिन आप ये भी बताइए ना कि उसमें अगर हाइड्रोजन गैस लेंगे तो उस डिस्चार्ज ट्यूब में H प्लस भी तो मौजूद है, बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, H प्लस किधर जाएगा, इसके बारे में थॉमसन बेचारा नहीं बता पाया, नहीं बताया, हो सकता है उनकी थिंकिंग सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर रही हो। बात की साइंटिस्ट ने कहा चलिए आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो एच प्लस कहाँ जाएगा, एच प्लस भी तो जाएगा, एच प्लस भी तो कहीं ना कहीं जाएगा। तो देखिए उन्होंने क्या किया, इस यही डिस्चार्ज ट्यूब को लिया, मेरे साथ साथ जल्दी जल्दी बनाइए, मेरे साथ साथ बनाइए, इसमें उन्होंने कुछ चेंजिंग की। चेंजिंग क्या की, मेरे साथ साथ बनाइए, उन्होंने एक चेंज, सब लोग नेगेटिव पॉजिटिव, और इन्होंने इधर ZnS को बैक साइड ऑफ कैटल, this is cathode negative, anode positive, any problem? यहाँ तक लिख लीजिए, तो वैक्यूम पंप है ये मालूम है, या हाई वोल्टेज है ये सब तो मालूम ही है आपको, वही सेम किया, ये वैक्यूम पंप है। अब देखिए यहाँ तक बना लिया तो बताइए। वेरी गुड। अब देखिए इसमें इन्होंने एक चेंजिंग की, उसको कहते हैं परफोरेटेड कैथोड, सुनिए अच्छे से, परफोरेटेड कैथोड क्यों किया, वो भी उसका मतलब होता है होल इज क्रिएटेड, होल इज क्रिएटेड, यहाँ देखिए होल है इसके अंदर, देखिए होल है कि नहीं जल्दी बताइए, होल है, हेलो एवरीवन, होल है कि नहीं बताइए ना, सर कहाँ पे, कैथोड के अंदर, कैथोड के अंदर है ना, तो देखिए तो मैं वही बता रहा हूँ, परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या हुआ, क्या कहिएगा प्लीज सुनिए, ए स्मॉल होल, मेरी बात सुनिएगा अच्छे से, स्मॉल होल इन कैथोड, इसलिए इसको केनाल रेस भी कहते हैं, केनाल बना रहता है ना छोटा छोटा, अरे बोलिए ना, होल के फॉर्म में बना रहता है नाली केनाल, अरे बोलिए ना, हेलो एवरीवन, यस यस, इसलिए इसको केनाल रेस भी कहते हैं। क्यों, देखिए मैं इसलिए हट के बना रहा हूं, उन्होंने कहा कि ठीक है इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा होगा लेकिन कुछ रेस एनोड की तरफ से भी आ रही होंगी, वही एच प्लस के फॉर्म में, और ये एच प्लस चूंकि भारी है इसलिए वो टकरा ना, वापस ना आ जाए, इसलिए होल बना दिया गया कि इसी होल से पास हो और इधर मूव करे।
बोलिए आया सबको समझ में, हाँ या ना, जल्दी बोलिए। यस सर। हाँ यस यस। अब एक मिनट सुनने, वो मैं लिखवा दूंगा। और ZNS स्क्रीन जी कोटिंग जो की गई, किधर की गई जल्दी बताइए, किधर की गई? कैथोड के बैक साइड में। बिहाइंड द कैथोड, वेरी गुड। बाकी चीज सब वही रिपीट है। मैं फिर भी लिखवाऊंगा कि पहले लिख लीजिए फिर मैं लिखवाता हूँ, जल्दी लिखिए। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। अभी क्वेश्चन अभी और कराएंगे ई बाई एम रेशियो पर, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि अभी इन्होंने सोचा कि ये थ्योरी खत्म कर दूं फिर कुछ क्वेश्चन में कराता है। ये सब जी मेंस नीट में आता है। लिख लिया तो बताइएगा। यस सर, डन। डन, ठीक है, थैंक यू। अब मेरे साथ जल्दी जल्दी लिखिए कि मैं फिर समझा दूंगा आपको। मेरे साथ लिखिए, व्हेन एनी गैस इज प्लेस्ड इन, सब लोग मेरे साथ लिखिए, डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर, सेम एक्सपेरिमेंट किया, वेरी लो प्रेशर एंड हाई वोल्टेज, देन गैस आयनाइजेस। बाद के साइंटिस्ट निकाल गया आगे का लाइन, इट ऑब्जर्व दैट, उन्होंने देखा ये सन रेज कमिंग from anode and moves towards cathode. These rays are called, अच्छा बताइए anode rays से किसकी discovery हुई थी? Electron, बताइए एनोड रे से किसकी डिस्कवरी हुई, जल्दी बताइए एनोड रे से किस, जोर से बोलिए। इलेक्ट्रॉन। किसकी? प्रोटॉन। किसने इलेक्ट्रॉन बोला? अरे इलेक्ट्रॉन तो कैथोड से हुई, मैं पूछ रहा हूँ एनोड रे से किसकी। प्रोटॉन। रोशनी आपने बोला था, ये क्या है पॉजिटिव रेस। चलिए पहले लिखिए, मैंने पहले पे आते ही नहीं लिखवाया, देखिए एनोड रेस के नीचे लिखिए, देखिए जिसका पहले पहला पहले पे आते ही मैंने जो लिखवाया डिस्कवरी एनोड रेस से क्या चीज की डिस्कवरी हुई जल्दी बताइए। डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लिखा हुआ रोशनी, हरगुन, श्रेष्ठा, कशिश, आयुषी, सांची। हाँ तो फिर प्रोटॉन भी है लेकिन सही वर्ड हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे अब आपको मैं समझा रहा हूँ। लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। अच्छा एक बात बताइए, जैसे कैथोड रेस किससे ओरिजिनेट होता है? कैथोड रे, कैथोड से। अब मेरा कंफ्यूजन जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट है, क्या एनोड से कोई रेज ओरिजिनेट हो रही है? जल्दी बताइए कि दिख श्रेष्ठा। yes. अच्छा चलिए मैं खुद बता देता हूं, गौर से सुनिए। मिसकंसेप्ट ये है, मेरी बात सारे लोग सुनिएगा, कि इट सीम्स, लगता है, मेरी बात गौर से सुनिए, इट सीम्स कि रेज आर कमिंग फ्रॉम एनोड। आप लॉजिक लगाइए, क्या एच प्लस इस मेटल से आया? नो, इलेक्ट्रॉन तो मेटल से आया है, इलेक्ट्रॉन मेटल से तो आया है। ये अगर एनोड, मान लीजिए ये सोडियम मेटल का है, ये थोड़ी ना, ये H प्लस थोड़ी ना देगा। ये डायरेक्शन की वजह से हम लोग कह देते हैं एनोड रेज है, इट सीम्स, बट एनोड रेज, याद रखिए एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड, नो नो नो,
डायरेक्शन की वजह से एनोड बनते हैं, लेकिन एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रहा है। भाई पॉजिटिव चार्ज है, वो ऑब्वियसली पॉजिटिव को नेगेटिव खींचेगा, ये कैथोड की तरफ जाएगा, इसीलिए इसको कहा गया कि ये आ रहा है एनोड की तरफ से, जा रहा है कैथोड की तरफ से, इसलिए। लेकिन एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनोड, कैथोड रेज आर ओरिजिनेटिंग। मैंने अभी नहीं बताया था, इलेक्ट्रॉन बैटरी दिया, इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड। अरे बोलिए ना, नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए। हेलो एवरीवन। आपको ये सब देगा। अब बताइए एनोड रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनोड, फॉल्स। हाँ, मैंने क्या कहा, इट सीम्स, ये लगता है, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट है, ये लगता है स्टूडेंट को या बहुत सारे लोगों को कि भाई एनोड से लगता है, इट सीम्स लगता है, बट एनोड ही पॉजिटिव दिया, ओरिजिनेट किया, नो। एनी प्रॉब्लम? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। तो बेसिकली सारी रेस कैथोड से आ रही है, कोई भी एनोड से आई नहीं रही है? नहीं, कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन हुआ ना, ये तो towards cathode जाने की वजह से, direction क्या है, from anode to cathode, ये तो कह सकते हैं ना, लग रहा है ना, anode to cathode जा रहा है। हाँ, जैसे anode से कुछ originate नहीं हो रहा। हाँ, ये मेरे कहने का है, हाँ, ये सही समझा। anode से originate नहीं हो रहा है, ये मैंने इसलिए देखिए hard के मना बनाया, देखिए gap दिया है मैंने, gap दिख रहा है कि नहीं आपको, ये मैंने gap जानबूझ के दिया है समझने के लिए, मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? तो फिर anode rays कहाँ से originate हो रहे हैं? ये भाई पॉजिटिव, देखिए ना, पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट नहीं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ओरिजिनेट एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रहा, दिखने में लग रहा है डायरेक्शन की वजह से, ये पॉजिटिव H प्लस है ना, ये पॉजिटिव चार्ज एनाल से पास होगा कि नहीं, बोलिए हाँ या ना, तो ये वाला स्क्रीन ग्लो कर जाएगा कि नहीं, ये वाला स्क्रीन ग्लो कर जाएगा, ग्लो जो किया तो क्या हुआ, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, लेकिन एनोड से ओरिजिनेट हुआ ये नहीं, ये दिखने में लगता है कि एनोड टू कैथोड जा रहा है, पॉइंट टू बी नोटेड, बोलिए आया कि नहीं? यस सर। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इमिटेड होगा, कैथोड से इमिटेड होगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव को खींचेगा, तो वो पॉजिटिव को जो खींच रहा है ना, यही इलेक्ट्रॉन, तो ये डायरेक्शन इधर होने की वजह से हम एनोड कह देते हैं, एनोड रेस कह देते हैं, लेकिन एनोड से ओरिजिनेट नहीं हो रहा, इलेक्ट्रॉन कैथोड से ओरिजिनेट, ये ट्रू फॉल्स का स्टेटमेंट दे देगा तो 99% स्टूडेंट गलत कर देंगे, कह देगा एनोड इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनोड, कह देगा यस, लेकिन इट इज फॉल्स कंसेप्ट, व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम कैथोड, वहां कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट फ्रॉम कैथोड, लेकिन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो अपने से H प्लस को खींचेगा कि नहीं, जल्दी बताइए। यहां आना, यहां इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन तो ओरिजिनेट होते इधर जा रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन H प्लस को खींच भी तो रहा होगा, जल्दी बताइए। यहां आना, यस सर। तो खींच रहा होगा तो इधर डायरेक्शन तो यही रही रहेगी, बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ, इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जा रहा है, ओरिजिनेट कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन H प्लस को इतने चाहिए, यही तो थॉमसन नहीं बता पाया, थॉमसन बेचारे को चूंकि इधर ग्लो किया ना, तो उनको एक ही चीज दिखी, तो इसीलिए बाद के साइंटिस्ट ने कहा कि लॉ ZNS इसको इधर लगा देते हैं तो हो सकता है कुछ और ऑब्जर्वेशन हो, तो उनको लगा रही भी ग्लो करने लगा, तो उनको लगा कि भाई एक और रेज है जो कि पॉजिटिवली चार्ज रेज है, भाई मैंने लिख लिया पॉजिटिव रेज है ये, एनोड रेज सिर्फ इसलिए कहते हैं डायरेक्शन की वजह से, एनोड रेज इस वजह से नहीं कहते कि ओरिजिनेट फ्रॉम एनोड, दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग, सुना सारे लोग, व्हाई एनोड रेज इज कॉल्ड एनोड, डायरेक्शन की वजह से, पॉजिटिवली रेज है इसलिए हम एनोड रेज बोल देते हैं, बिकॉज पॉजिटिव है कैथोड की तरफ जा रहा है इसलिए हम एनोड रेज कह देते हैं, लेकिन एनोड रेज एनोड से ओरिजिनेट होने की वजह से दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग, मुझे उम्मीद है कि आप समझ में आया हो। मैं जो पूछा उसको समझ में आया कि नहीं आया, पहले बताए। आप बताइए, आप कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ बताइए। हाँ, can we say that electrons, cathode rays and anode rays, they all originate from cathode? No, electron originated from cathode,
पॉजिटिव कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, ये कैथोड से कहाँ ओरिजिनेट हो रहा है, गलत आप क्या क्या समझ रही हैं, H प्लस को अपनी तरफ खींच रहा है तो ये कैथोड की तरफ जा रहा है, कैथोड से ओरिजिनेट नहीं हो, कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ ओरिजिनेट हो रहा है ना, हाँ या ना, कैथोड से इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट हो रहा है, डिड यू अंडरस्टैंड, कैथोड रेस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, जोर से बोलिए, कैथोड और एनोड रेस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, उस वक्त से आपने कुछ नहीं, कैथोड रेस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, कैथोड रेस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड मूव्स टुवर्ड्स एनोड, साफ साफ लिखा हुआ देखिए, कैथोड रेस आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड मूव्स टुवर्ड्स एनोड, देयरफॉर दिस इज कॉल्ड कैथोड रेस, एनोड रेस ओरिजिनेटिंग नहीं, ये एनोड रेस आप ये बोल सकते हैं, एनोड रेस आर मूविंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दिस इज कॉल्ड एनोड रेस, मैंने लिख दिया है ना शायद, देखिए कमिंग फ्रॉम एनोड, ओरिजिनेट वर्ड नहीं लिखा है, कमिंग फ्रॉम एनोड लिखा हुआ है, देख लीजिए, कैथोड रेस कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, सुनिए अच्छे से, कैथोड से एनोड की तरफ जाएगा, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि कैथोड से ओरिजिनेट होगा, लेकिन एनोड रेस एनोड टू कैथोड जाएगा, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि एनोड से ओरिजिनेट होगा, एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम, हेलो एवरीवन, एनी प्रॉब्लम, आप देखिए, तो मैं इसीलिए ये सब बात लिखवा देता हूं कि देखिए कंक्लूजन लिख लीजिए कि आपको डाउट क्लियर हो, सारे लोग बताइए, कैथोड रेस आर ओरिजिनेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रू फॉल्स में सारे लोग फंसेंगे, आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम, अरे रोशनी सिन्हा आपको समझ में आया कि नहीं आया, यस सर, श्रेष्ठा और हरगोन आपको समझ में आया, यस सर, पक्का कोई डाउट तो नहीं है ना इस वाले में, चल से सच सच बताइएगा, नो सर, हाँ वेरी गुड, अब देखिए कैथोड रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, बताइए ट्रू स्टेटमेंट की फॉल्स, जल्दी बताइए, ट्रू हो गया, देख लीजिए लैंग्वेज को, बट एनोड रेज आर नॉट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनोड, ये याद रख लीजिए, आर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड, ये भी ट्रू स्टेटमेंट हो गया कि नहीं, जल्दी बताइए, अगर हम नॉट की, हाँ नॉट को हटा देते तो फिर फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, प्लीज इस लाइन पर गौर कीजिए, अगर दे दिया ना एनोड रेज आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनोड, बताओ ट्रू फॉल्स, 99% बच्चे वही लिख देते हैं ट्रू स्टेटमेंट, नहीं नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एनोड, इसलिए याद रखिए हमने यहाँ डायरेक्ट थोड़ा सा गैप देकर मैंने समझाया था कि H प्लस इलेक्ट्रॉन की वजह से वो H प्लस को आयोनाइज करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, इस वजह से वो कैथोड की तरफ बढ़ने की वजह से, चूंकि वो एनोड की तरफ से दिखने में लगता है कि वो एनोड से आ रही है, तो लोग बहुत सारी चीजें डेली लाइफ में नहीं लगती हैं कि दिखने में होता है भाई, लेकिन वो वहां से नहीं आता है, बोलिए ना, हाँ या ना, यस सर, हाँ, तो यही चीजें यहाँ पर हैं, प्लीज याद रखिएगा, क्योंकि ये ट्रेवल टुवर्ड्स कैथोड हुआ, ट्रेवल टुवर्ड्स कैथोड, पॉइंट टू बी नोटेड, ट्रेवल टुवर्ड्स कैथोड, इसलिए इसको एनोड रेस कहा गया, आगे बढ़े जल्दी बताइए, हेलो एवरीवन, ये लिख लिया था आप लोगों ने, यस सर, अच्छा आप बताइए मेरी बात गौर से सुनिए, मैं कोई भी स्टूडेंट आपसे पूछे, कोई भी आदमी आपसे पूछे, बताओ कि एनोड रेस से किसकी डिस्कवरी, तो आप कहिए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, क्यों, हाइड्रोजन गैस रखा H प्लस मिला, सोडियम है तो Na प्लस मिला, ऑक्सीजन है तो O प्लस मिला, बताइए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना, सर, यस सर, लेकिन यही कब प्रोटॉन होगा, जब हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के केसेस में ही एनोड रेस प्रोटॉन की डिस्कवरी दिया, क्या इसमें प्रोटॉन है, नहीं, तो हम इसलिए जनरल वर्ड बोलेंगे, एनोड रेस गिव्स प्रोटॉन, gives proton की discovery if hydrogen gas is placed in the discharge tube. अगर hydrogen gas नहीं देंगे तो anode रेस से proton की discovery नहीं होगी, तो हम कहेंगे positively charged particle आ गया, समझ में बात आई, इसलिए आप देखिए मैंने proton नहीं लिखा है, देखिए कहाँ गया, positive rays लिखा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना, जल्दी बोलिए हाँ या ना, yes, sir. ये भी बड़ा मिसकंसेप्ट है कि लोग जल्दी में बोलते हैं कैथोड इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किया, एनोड रेस प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन की किया, इंक्लूडिंग विथ अदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ये बोलना है, एनोड रेस से बोलिएगा, एनोड रेस गिव्स ओनली प्रोटॉन,
नो 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 हाइड्रोजन गैस के केस में न्यूट्रल गिव्स प्रोटॉन, ऑक्सीजन गैस रखेंगे तो प्रोटॉन थोड़ी ना देगा, वो O+ का पॉजिटिवली रेज देगा, दिस पॉजिटिव रेज इज प्रोटॉन इफ हाइड्रोजन गैस इज प्लेस। समझ में बात आई? हाँ जाना जल्दी बता दीजिए साइंटिस्ट लोग। सर प्लीज रिपीट। अच्छा क्या रिपीट करें? अच्छा मैं लिखाता हूँ, रुकिए रुकिए मैं पहले लिखा देता हूँ फिर हर गौर को हर करेंगे। ठीक है ठीक है, अभी मैं लिखा देता हूँ, लिखिए फिर आपके बात को मैं डाउट करें। द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वॉज ऑब्टेन्ड। देखिए अब आपको समझ में आएगा, द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, बताइए फ्रॉम हाइड्रोजन। हाँ या ना, सबसे लाइटेस्ट हाइड्रोजन ही होता है ना मास कम होने की वजह से। जल्दी बोलिए हरगोन, हरगोन यही देखिए आप जो डाउट पूछा वो आ रहा है। द स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कॉल्ड, इसी को हम क्या कहते हैं प्रोटॉन, इसी को क्या कहते हैं जल्दी बताइए प्रोटॉन। तो प्रोटॉन कब कहलाएगा, प्रोटॉन कब कहलाएगा जब डिस्चार्ज ट्यूब में कौन सी गैस डालेंगे, S2 गैस, हाइड्रोजन गैस डालेंगे तभी तो प्रोटॉन की डिस्कवरी होगी। बोलिए हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब हार्गन बताइए, O2 गैस आपने रखा तो ये O+ दिया, ये इलेक्ट्रॉन दिया, तो एनोड रेज क्या ये प्रोटॉन है O+, प्रोटॉन कहते हैं H+ को, प्रोटॉन H+ को कहते हैं। अब ये प्रोटॉन नहीं, इसलिए देखिए पहले पेज पर मैंने क्या लिखा आते ही, एनोड रेज गिव्स द डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव रेज बोल सकते हैं, पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी दिया। अब ये पॉजिटिव रेज कुछ भी हो सकता है, H+ भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है, O+ भी है, Na+ भी है। अब मेरी बातें समझ में आई? हाँ या ना। यस सर। हाँ हरगोन आया समझ में? यस सर। हाँ ये मैं लिखवाने वाला हूँ, लेकिन कोई ये सिर्फ कह देगा एनोड रेस से सिर्फ प्रोटॉन की डिस्कवरी, तो ये गलत लैंग्वेज है। एनोड रेस से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इज प्रोटॉन इफ हाइड्रोजन गैस इज प्लेस्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। अब अच्छे से उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। सच सच बोलिए, सच सच बोलिए। यस सर। अब बता दीजिए आप लोग खुद सोचिए, the E by M ratio for anode raise ये गैस पर डिपेंड करेगा, ये सबका सेम नहीं होगा। क्यों? हाइड्रोजन गैस के केसेस में H+ आएगा, क्या कहते हैं ऑक्सीजन गैस के केस में O+ आएगा, हीलियम के अलग अलग पॉजिटिव आयन आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। यस सर। तो इसका E by M तीनों का सेम होगा कि डिफरेंट होगा, जल्दी बोलिए। तीनों का सेम, हाँ कैथोड रेस का E by M रेशियो सेम होगा, बिकॉज कैथोड रेस हमेशा इलेक्ट्रॉन ही देता है, कोई भी गैस ले लो इलेक्ट्रॉन ही देता है, लेकिन एनोड रेस में प्रोटॉन नहीं देता है हमेशा, वो पॉजिटिव चार्ज आयन देता है। इसलिए एकदम अच्छे से पढ़ना है कि द E by M रेशियो फॉर एनोड डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। सच सच बताइए मेरी बातें सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोलिए श्रेष्ठा, हरगोन, आयुषी, रोशनी, सबको आ रहा है? सांची, कशिश, रोशनी, सबको आ रहा है? यस सर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तो आप आंसर दीजिए। लिख लिया? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर वन, the E by M ratio for anode A, H2 gas, helium gas, CO2 gas, इसका सबका सेम होगा। देख ले क्वेश्चन को पहले पढ़ लो। E by M ratio एनोड रेस का पूछा है कि कैथोड एनोड का, तो एनोड रेस का जब पूछा है तो ये आयनाइज होके H+ देगा, ये आयनाइज होके Hg+ देगा, तो इससे ये साबित हो गया कि सब में अलग, क्योंकि एनोड रेस पॉजिटिवली चार्ज रेस को बताता है, तो सबका E by M रेशियो अलग अलग होगा, तो सबसे ज्यादा A का होगा, फिर B का होगा, फिर C का होगा। सच सच बताइए हाँ या ना।
हाँ या ना? यस सर। यस सर। कैथोड रेज का सबका सेम होगा, बताइए सांची, समझ में आया साइंटिस्ट कि नहीं आया? O2 का कम सबसे कम कैसा है? सबसे कम कहाँ है O2 का? सबसे सर, हाँ सबसे कम है, बिकॉज इसका मास ज्यादा है ना, 32 है, 16 है, इसका तो 4 ही है, इसका 1 है, मास कम है ना इसका, मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, मास ज्यादा है, 1/4 और 1/16 है। हाँ। आप समझ में आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए, सब लोग गवाही दीजिए। E by M का दूसरा नाम क्या है? E by M को क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। हाँ, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। अच्छा, अब मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सारे लोग बताइएगा, ये अगर बता दिया आपने तो मैं समझूंगा आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ा। अब मैं क्वेश्चन कराऊ ना, यहाँ तक समझ में आ गया ना, जल्दी जल्दी बोलिए। हाँ या ना? यस सर। कैथोड एनोड पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही E by M रेशियो, यही है, बाकी सब तो आप अपने से भी पढ़ेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज मैंने जानबूझ के नहीं लिखा है, एनोड रेस भी एक्सटर्नल में मूव करेगा। आप बताइए, एनोड रेस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करेंगे तो किधर मूव करेगा? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की तरफ, प्लेट की तरफ की पॉजिटिव प्लेट की तरफ? जल्दी बताइए। नेगेटिव प्लेट की तरफ। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है तो नेगेटिव प्लेट की तरफ भागेगा। समझ में आया ना सबको? हाँ या ना? यस सर। तो वही सब, सारी बातें सेम रहेंगी, ये शैडो भी बनाएगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट करेगा, वो भी डिफ्लेक्ट किया था, फर्क ये था कैथोड पॉजिटिव प्लेट की तरफ भागा, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये सब आप जानते हैं। हाँ या ना? जल्दी बता दीजिए। यस सर। अब आइए, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पा, अब ये देखिए, मैं थोड़ा स्टैंडर्ड रोशनी, रोशनी आपके यहाँ से आवाज आ रही है? रोशनी? यस सर। हाँ, अब ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब कौन बना, चलिए मैं खुद बनाता हूँ, पहले आपको समझाता हूँ। चलिए पहले लिख लिया क्वेश्चन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, इसलिए अच्छा एग्जामिनर इसी पर क्वेश्चन देगा। हम कैथोड रेज और एनोड में E by M रेशियो पढ़ा, अब कंपटीशन में अल्फा का दे देगा E by M रेशियो, प्रोटॉन का E by M रेशियो दे देगा, बताइए आया सबको समझ में कि नहीं आया, जल्दी बताइए। यस यस सर। चलिए आप सुनिए मेरी बात और से सुनिए, अच्छे से सुनिए, पहले आप सुनिए अल्फा पार्टिकल क्या है। तो पहला हीलियम, हीलियम न्यूक्लियाई, हीलियम एक हीलियम न्यूक्लियाई को, जैसे प्रोटॉन क्या होता है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई इज कॉल्ड प्रोटॉन। तो अल्फा पार्टिकल का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलिए ना, अल्फा पार्टिकल का क्या फॉर्मूला होता है? हीलियम। अल्फा पार्टिकल का क्या होता है बताइए? हीलियम। आप देखिए इसको डिनोट करने का तरीका, एच डबली आयोनाइज्ड होता है, डबली आयोनाइज्ड, ये हुआ Hg प्लस 2 अल्फा पार्टिकल हुआ, अब प्रोटॉन क्या हुआ H प्लस। समझ में आया? हेलो एवरीवन, समझ में आया? यस सर। फिर से बताइए, हीलियम न्यूक्लियाई को हम अल्फा पार्टिकल बोलेंगे, लेकिन अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला होगा Hg2+, और प्रोटॉन को हाइड्रोजन बोलेंगे, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला होगा H+, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होता है। डिड यू अंडरस्टैंड? यहाँ तक सबको समझ में आया? कोई डाउट? कोई डाउट जल्दी बोलिए, कोई डाउट? पक्का? यस। अब बताइए स्पेसिफिक चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है? चार्ज बाई मास, E by M, चार्ज बाई मास, चार्ज को आप मान लीजिए क्यू, एम मान लीजिए, जनरल फॉर्मूला, ठीक है? अब आइए अल्फा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा, मैं अलग अलग निकालना तो हो सकता है आपको ऑप्शन में क्या अल्फा पार्टिकल, तो बताइए अल्फा पार्टिकल का चार्ज बताइए, टू है, टू है, टू है, टू है, टू है, टू है, हीलियम का मास कितना होता है? फोर है, फोर है, फोर है, तो 1/2 हो गया। हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, जल्दी बोलिए, ऑफ प्रोटॉन, कोई बोल ही नहीं रहा, गलत बात है ना, बोलिए ना, आ रहा समझ में ना? H प्लस, यस सर। 1/1 हो गया, अब दोनों का रेशियो ले लीजिए, 1/2/1, तो 1:2, अब जो, तो दिस इज द आंसर।
मैं कैथोड एनोड सिर्फ नहीं पढ़ाया, कैथोड एनोड का तो आना ही चाहिए, उसके अलावा पेपर में क्या क्वेश्चन बनेगा, तो आपको कहेगा अल्फा, तो आप नई चीज सीखा अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम न्यूक्लियस इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल, और एक्चुअल फॉर्मूला होता है Hg2+, प्रोटॉन क्या होता है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, असल फॉर्मूला होता है H+, बताइए सारे लोग, अब देखिए दोनों का अलग अलग करके रेशो निकाल दिया, किसी को कोई डाउट है तो सच सच बताइए, सच सच बताइए, कोई बोल ही नहीं रहे, सांची समझ में आया? यस सर आ गया। यस सर। वेरी गुड साइंटिस्ट, थैंक यू। श्रेष्ठा को आ रहा है? श्रेष्ठा यस सर आ रहा है ना आपको साइंटिस्ट? यस सर। एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए सर, प्रोटॉन में आपने H+ लिया तो फिर उसमें मास क्यों नहीं लिया हीलियम का? हीलियम का है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है ना साइंटिस्ट, 1 by 1 1 by 1। ओके सर। ओ माय गॉड, चना खाइए, 1 by 1 आया सबको? यस सर। यस गुड गुड गुड। आंसर पारा वो बता दीजिए कि हमने प्रोटॉन में H+ क्यों लिया? प्रोटॉन H+ ही तो होता है ना हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, प्रोटॉन का प्रोटॉन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव से डिनोट किया। हाँ कोई क्या प्रोटॉन क्या होता है हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम होता है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला H+, हाइड्रोजन थोड़ी ना बोलेंगे, तो न्यूट्रल है ना, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई बोलेंगे, लेकिन साइन प्लस देंगे ना ऊपर। अरे बोलिए ना साइंटिस्ट लोग, अरे हेलो, नहीं समझ में आया, कंफ्यूज बहुत रहती है साइंटिस्ट। आया कि नहीं आया? यस सर। हीलियम देखिए, अब हीलियम न्यूट्रल होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूट्रल को थोड़ी हीलियम न्यूक्लियाई लिखा, लेकिन नीचे मैंने लिखा है हीलियम अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, उसमें भी 2+ दिखाना है। हेलो एवरीवन। सर नहीं, मेरा पॉइंट ये था कि जैसे प्रोटॉन तो और भी एलिमेंट्स के हो सकते हैं, तो फिर हाइड्रोजन कैसे एलिमेंट? हां प्रोटॉन हाइड्रोजन को ही, प्रोटॉन कितना हुआ, चाहे कहीं पर भी प्रोटॉन हो, प्रोटॉन तो होता ही है, जैसे सोडियम में कितने प्रोटॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉन का मतलब ही पॉजिटिवली चार्ज होता है, मैं ये कह रहा हूँ, प्रोटॉन तो हर जगह है, प्रोटॉन तो है ही है 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन का मतलब ही हुआ 11 H+ है उसके अंदर, ये भी याद रख लीजिए आप, ये कहने का मतलब है। ओके हेलो एवरीवन। यस सर। ये कहने का मतलब, अब बताइए E/M रेशियो, क्वेश्चन लिखिए इज मैक्सिमम फॉर, बताइए पहला इलेक्ट्रॉन के लिए मैक्सिमम होगा कि प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का E/M और सिर्फ प्रोटॉन का, किसका ज्यादा होगा जल्दी बताइए। हेलो एवरीवन। सिर्फ प्रोटॉन? नो, अब मैं बता रहा हूं स्पेसिफिक चार्ज E/M, स्पेसिफिक चार्ज E/M, E/M मास ऑफ H। अब बताइए आपने नहीं पढ़ा, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास, याद है सबको? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, बोलिए ना बोलिए ना, मास तो इस किसका ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा। देखिए क्वेश्चन सब पढ़ा कीजिए, तो इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा, कौन ऐसा स्टूडेंट है जिसको ना आया हो, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन। यस सर। चलिए हरगोन को भी समझ में आया? यस सर। सच सच बताइए कि आपको E/M रेशियो का अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सच सच। यस सर हो गया मेरे, बस कोई भी कहे बताओ, ऑक्सीजन O+ का बताओ तो O+ का 1 ले लीजिए, इसका 16 ले लीजिए, N+ का बताओ किसका ज्यादा है 1/14, किसका ज्यादा हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। He+2 का बताओ स्पेसिफिक चार्ज का लिखेंगे तो 2/4, जितना चार्ज रहे उसी को 2 ले, उसी का लिखिए, कंफ्यूज मत हुआ कीजिए। Na+ का कितना होगा स्पेसिफिक चार्ज 1/23, Mg+2 का कितना होगा 2/24, बोलिए बोलिए लिखने आ रहा है ना। Al+3 का स्पेसिफिक चार्ज कितना होगा 3/27, आया कि नहीं समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। यस यस, ये हुआ
अच्छा अब मैं आपको एक क्वेश्चन पर एंड करने जा रहा हूँ, तैयार हैं आप तो बोलिए तभी मैं कराऊंगा, तैयार नहीं है तो नहीं कराऊंगा। तैयार हैं? हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। देखिए यही सब है, कैथोड एनोड रेज तो आप भी जानते हैं, आप भी पढ़ लीजिएगा तो मिल जाएगा। तो चलिए लिखिए द रेशियो ऑफ, ये जिसने बना दिया तो मैं समझूंगा। अरे रोशनी आपको समझ में आ रहा है? रोशनी यस सर। अल्फा पार्टिकल का फॉर्मूला मैंने बता दिया एंड ड्यूट्रॉन, यू नो ड्यूट्रॉन, अरे ड्यूट्रॉन को हम कहते हैं डी प्लस। ड्यूट्रॉन को क्या बोलेंगे जल्दी बताओ? डी प्लस। क्या बोलेंगे सारे लोग बताओ, क्या बोलेंगे? डी प्लस। अच्छा डी क्या है यहाँ पर? H2O1। अब तुम अपने से बनाओ, मैं कुछ हिंट नहीं दूंगा, सब लोग अपने से बनाएं। बनाएंगे ना सब लोग? बताइए ना, ट्राई तो करेंगे ना? यस सर। हाँ गलत या सही कोई अब आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में भी आपको धीरे धीरे। जोर से बोलिए। H पे टू मास नंबर, प्रोटॉन नंबर वन, ये है ना मास नंबर है ऊपर, इसलिए D का फॉर्मूला लिख दिया ना है कि आपको मास निकालने में आसानी होगी। चलिए बनाइए 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 साइंटिस्ट लोग। हाँ श्रेष्ठा बताइए। सर ऑप्शन सी 1:1। अच्छा चलिए देख लेते हैं। चलिए सबसे पहली बात स्पेसिफिक चार्ज फॉर अल्फा पार्टिकल अलग अलग फिर निकाल लेते हैं। अभी पढ़ा He2+, तो 2/4 हो जाएगा। क्या किसी को एतराज है इस पर? नहीं। नो सर। ऑफ ड्यूट्रॉन का हो गया, ड्यूट्रॉन का मतलब डी प्लस मैंने लिख दिया, तो 1/मास नंबर क्या है? 2 ही है ना। हेलो एवरीवन, देखिए वेरी गुड, दिस इज करेक्ट आंसर, रेशियो 1:1। मजा आ रहा है कि नहीं? जल्दी सच सच बताइए। मजा आया सबको? वेरी। ये कितना खराब टॉपिक था उसको मैंने इंटरेस्ट बना दिया। स्पेसिफिक चार्ज पर आपकी PhD करवा दो, अब आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो एक कंक्लूजन, कैथोड रेज का E/M रेशियो सारे एलिमेंट का, सारे गैस का सेम होगा क्योंकि हर गैस इलेक्ट्रॉन ही देगा। एनोड रेज का E/M रेशियो सबका अलग अलग आएगा, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा पैगा अल्फा पार्टिकल का निकालो तो ये नहीं कहना हमने नहीं पढ़ा। ड्यूट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज निकालो, नहीं कहना हमको नहीं पढ़ा। Na+ का E/M निकालो, सर हमने नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? सब आपको कंसेप्ट सिखा दिया गया। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। नेक्स्ट स्लाइड यही तो है नेक्स्ट। अच्छा ये वाला है। सब लोग चलिए, जिनका हो गया जाएं, जिनको डाउट है पूछ लो। चलिए ओके बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू रोशनी सिन्हा, थैंक यू। चलिए